वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को नॉर्मल पटियाला कटिंग करने बताने जा रहा हूँ। नॉर्मल पटियाला कटिंग करने के लिए सबसे पहले 2.25 मीटर कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर कपड़े को, ये देखिए मैंने उसके लिए सैंपल है, कपड़े को लंबाई से डबल, ठीक है, लंबाई से ऐसे डबल करना है, ठीक है, डबल हो गया। उसके बाद चौड़ाई से भी डबल, इसको ऐसे बिल्कुल बराबर करना है। ध्यान रहे ये जो हम डबल कर रहे हैं ये मेरा ऊपर होना चाहिए, एक पार्ट रहेगा ऐसे 4 फुट, ये ऊपर रहे और ये नीचे। इसी तरह मैंने कपड़े को पहले लंबाई से डबल फिर चौड़ाई से डबल कर लिया, ठीक है। अब इसको कपड़े को सबसे पहले सीधा करते हैं, आपका ऊपर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता तो कपड़े को सीधा कर लीजिए, सीधा हो गया। उसके बाद 1/2 इंच का एक और लाइन, मार्जिन लाइन ले लेना है, ये कपड़े को सीधा किए फिर 1/2 इंच एक मार्जिन लिए। देखिए इसका नापी है, इसका लंबाई है 35, इसमें ज़्यादा नापी का जरूरी नहीं होता है, सिर्फ आपका लंबाई और नीचे मुहरी और पट्टी, ठीक है। तो ये मेरा लंबाई इसका है 35। सबसे ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान होता है इसका कटिंग करना। सबसे पहले आपको पट्टी के लिए 6.5 इंच घटाना है ऊपर वाले से, यानी कि ये जो है मार्जिन वाला 7 इंच पे, क्योंकि 7 इंच ही पट्टी होता है, तो ऊपर से 6.5 इंच घटाएंगे या इस पॉइंट पे लेंगे तो 7 इंच। उसके बाद जितना आपका लंबाई है उतना आपको लेना है, ठीक है। तो लंबाई मेरा है 35, ठीक है। तो जहाँ मेरा 35 आया वहाँ टिक कर लेंगे और 2 इंच नीचे लेंगे पट्टी के लिए, ठीक है। ये मैंने 2 इंच पट्टी के लिए ले लिया हूँ, ये मेरा लंबाई यहाँ तक आ गया। और कपड़ा ये मेरा, देखिए ये डबल फोल्ड है कपड़ा, ये मेरा फोल्ड है। अब हम लोग पट्टी के लिए यहीं से ले लेते हैं। पट्टी मेरा 7 इंच का होता है और 2 इंच ऊपर ये रस्सी के लिए मुड़ता है, तो हम लोग 9 इंच का पट्टी बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा डबल फोल्ड है, कपड़ा मुड़ा हुआ है, तो 9 का आधा होगा 4.5, तो हम यहाँ 4.5 इंच चौड़ा लेंगे, ये फूलेगा तो 9 इंच हो जाएगा, ये है 4.5। और ये पट्टी का चौड़ाई कितना होना चाहिए, जितना मेरा कमर है उससे 10 इंच ज़्यादा, ठीक है। तो ये मेरा 17.5 आ रहा है, यानी कि 17 ये बन के आएगा। अगर आपका साइड से कपड़ा बचेगा तो इसमें जोड़ दीजिएगा, पतली दुबली हो तो आप 17 इंच बना सकते हैं, अगर थोड़ा हेल्दी है 30-32 कमर है, 32 कमर हो तो इसमें जोड़ के 42 तक, यानी 21-20 आपका पट्टी आना चाहिए, ठीक है। ये 4.5 इंच ले लिए हैं, इसका लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। इसमें मैंने इसका लाइन ले लिया, जो मेरा लंबाई है उसका भी लाइन ले लेते हैं। ये मेरा मार्जिन लाइन है मुहरी का, वो भी ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ देखते हैं, ये आपका पट्टी के लिए 4.5 इंच निकल गया। अब ये आपको कपड़ा ऐड नहीं करना है, अब आपका कपड़ा यहाँ से यहाँ बचा हुआ जो ऊपर फाइनल है मेरा, ठीक है। तो मेरा कपड़ा 37.5 है, तो इसका हाफ लेना है। 37.5 का हाफ कितना होगा, अगर आपको नापने में परेशानी हो रहा टेप को ही हाफ कर दें, जहाँ पे लंबाई है वहाँ करके, और ये आपका बिल्कुल बीच का पॉइंट होगा, ये कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा जो बचा कपड़ा है उसका हाफ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको मोहरी कितना रखना है, इसमें 12 रख लिया तो इसका हाफ 6 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा बाहर की ओर 1/2 इंच ऐसे, क्योंकि ये मोड़ेगा सीधा रखेंगे तो कम हो जाएगा। फिर 1 इंच आपको मार्जिन ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा ये मार्जिन लाइन है और ये जो बीच आया उसको मिला देना है, ठीक है। बस इतना मैं आपका पटियाला बन गया। अब ये जो मेरा बचा कपड़ा रहेगा इसको ऐसे टर्न करके इसका कली बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। पहले आपको ऊपर का ये कपड़ा को सीधा कर लेना है, फिर आपको ऊपर काटने के बाद ये मुहरी वाली लाइन में आपको कट करना है। ध्यान रहे ये कट आपको सिर्फ यहीं तक करना है जितना आपका मार्क है, ऐसा नहीं कि पूरा काट के निकाल तो गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ आपका मुहरी का जो मार्क आया है नापी से 1 इंच ये मार्जिन लेके उतना ही कट करना है, ठीक है। और उसके बाद
इसको मूरी के लिए ऐसा कर फिर इसको कट करके निकाल लेना है। ये है, अब आपको ये पट्टी के लिए जो 4.5 इंच जो 4.5 इंच नापी किए थे उसको काट के पूरा निकाल देना है। ये मेरा पट्टी हो गया। अब ये देखिए, ये जो बचा है इसको ऐसे घुमा देंगे, ध्यान रहे ये जो है आपका, दिखाते हैं आपको, ये आपका जो बचा है ठीक है, ये पतला वाला नीचे होगा और चौड़ा जो पट्टी है वो ऊपर होगा ठीक है। देखिए मेरा बिल्कुल बराबर आएगा क्योंकि इसका बीच पॉइंट हमने लिया था ठीक है। अब आपको क्या करना है कि हम लोग जो आसन लेते हैं या हाई लेते हैं ठीक है, वो 15 इंच आना चाहिए कम से कम नॉर्मल में, बाकी थोड़ा हेल्दी हो 16 और हेल्दी हो 17, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ देखिए मेरा ये जो कट है वहाँ से कपड़ा कितना मेरा आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है 9, और मेरा पट्टी लगेगा 7 इंच का, तो हाफ इंच जॉइंट होगा यानी कि 15.5 आएगा, तो ठीक है ये ठीक है। जितना मेरा बचा इसके बराबर ले लेंगे, अगर आपका घटेगा तो आप इधर करके जितना लंबा आप लेना चाहें, यहाँ कम से कम 8, 8.5, 9 भी आए तो चलेगा ठीक है। यहाँ मेरा 9 आया, 8.5 रेडी आएगा और 7, 15 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ आपको कट करके इस लाइन में निकाल देना है ठीक है। देखिए ये मेरा पटियाला कटिंग हो गया है ठीक है, ये मेरा कंघी है और ये घेरा है, ये नॉर्मल जितना आप, अगर आप बहुत ज़्यादा घेरा वाला पटियाला बनाना है 3 मीटर 3.5 मीटर कपड़ा लीजिए, आपका अच्छा पटियाला बन जाएगा ठीक है। उसके बाद अब ये मेरा बचा कपड़ा है, इसमें आप पट्टी के लिए जोड़ सकते हैं, ये पट्टी मेरा, इसको ओपन करके देखिए चौड़ा मेरा 9 इंच आ गया। अब यहाँ आपको जोड़ना है, एक पार्ट जोड़ते हैं आपको, यानी कि 20-21 कर लेना है जोड़ के, नॉर्मल आता है ये 7 है 17 था यानी 3.5 आएगा, 20 आ जाएगा, ये सही है इसका, इसके बराबर से इसको कट कर लेंगे। ये मेरा पट्टी का जॉइंट हो गया, अब मेरा पट्टी बढ़ जाएगा ठीक है। उसके बाद ये जो आपका बचा कपड़ा है इससे आप म्यानी निकालना है, म्यानी किस तरह निकालना है, एक सीधा होना चाहिए आपको और यहाँ से कर्व करेंगे, कर्व कितना करेंगे, ये आपको 2.5 इंच ले लेना है ठीक है। 2.5 इंच नॉर्मल होता है, ज़्यादा आपका हैवी साइज है तो आप 3 इंच ले लें, लेकिन 2.5 इंच ही नॉर्मल होता है। इसका लंबाई, लंबाई कितना होना चाहिए कपड़ा का, 6-7 इंच, 7 इंच कम से कम, 6 इंच भी हो तो चलेगा। अब इसको आपको कट करके निकाल देना है, यह हल्का सा राउंड देना है आपको ठीक है, और इसको कट करके निकाल देना है। देखिए ये मेरा एक पार्ट कट गया है, अब दूसरा पार्ट इसका, ये इधर ये आपका सीधा है, सीधा वाला पार्ट इधर बिछा दीजिए ऐसे, और ये देखिए फिर इसके बराबर इसको भी कट कर लेना है ठीक है। देखिए ये मेरा दोनों मेहनत कट हो गया है ठीक है। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, देखिए मैं आपको सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।